बच्चा धनिया लीजिए कितना 10 मिनट दस मिनट लेट हुआ है जिसके कारण इसको परीक्षा में बैठने नहीं दे रहा है, निष्कर्ष किया गया है। बिहार बोर्ड 12वीं क्लास की परीक्षा आज 1 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। साल भर से बोर्ड परीक्षा की जितौड़ मेहनत कर रहे 12वीं क्लास के छात्रों के लिए इम्तिहान की घड़ी है। राज्य के लाखों छात्र छात्राएं आज अपने अपने एग्जाम सेंटर पहुंची और बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए, लेकिन इस बीच कुछ छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षा छूट गई, जिसके बाद छात्र छात्राओं का एग्जाम सेंटर के बाहर रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक मिनट की देरी से एग्जाम सेंटर पर एंट्री ना मिलने से छात्र और अभिभावकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अभिभावकों पर लाठीचार्ज भी किया। बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा में अलग ही नज़ारा देखने को मिला। परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर के गेट तो कहीं बाउंड्री वॉल से कूदकर परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री करते नजर आए। दरअसल तय समय से लेट आने वाले छात्राओं को एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद परीक्षार्थी कूद कूद कर परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने छात्राओं पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में परीक्षा से 30 मिनट पहले पहुंचने को कहा गया था। ऐसे में लेट से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को मेन गेट पर ही रोक दिया गया। पूरे प्रदेश में हर जगह एग्जाम सेंटर के दरवाजे 30 मिनट पहले ही बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद छात्र बाउंड्री वॉल कूदकर दरवाजे से कूदकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। वहीं कई शहरों में छात्राएं और उनके अभिभावक एग्जाम सेंटर के बाहर ही हंगामा करने लगे। बता दें कि परीक्षा सेंटर पर देरी से पहुंचने की वजह से कई छात्राएं एग्जाम नहीं दे पाई। बताया जा भी जा रहा कि इस बार परीक्षार्थी अगर परीक्षा केंद्र में 10 मिनट भी लेट पहुंचेंगे तो उन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया है कि देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसी वजह से कई छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा देने से वंचित रह गए। आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिला में देर से पहुंचने पर कई छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। बताया जा रहा है कि कई छात्राएं 50-60 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंची हुई थी। केवल 2 मिनट लेट होने पर उन छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। वहीं जहानाबाद के दक्षिणी केंद्र पर भी देर से पहुंचने पर परीक्षार्थियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। वहां पहले ही गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छात्राएं गेट के ऊपर से घुसने की कोशिश करने लगी। वहीं बांका जिले के समुखिया मोड़ और बांका शहर स्थित SS बालिका उच्च विद्यालय में निर्धारित समय सीमा से 5 मिनट देर से पहुंची छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद परीक्षा देने आई छात्राओं के परिजनों ने इस मामले को लेकर DIU कार्यालय पहुंची, जहां DIU ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्धारित समय सीमा से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र बंद होने की बात कही। वहीं छात्रा स्वाति कुमारी ने बताया कि एडमिट कार्ड में 9:30 बजे का समय दिया गया था, जबकि वह 9:05 पर परीक्षा केंद्र पहुँच गई थी। वह इस तरह के किसी भी जानकारी से महरूम थी कि परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुँचना है। वहीं जहानाबाद में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान जगह जगह परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। कुछ छात्राओं ने परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए गेट पर चढ़कर छलांग लगाती हुई दिखी। सैकड़ों परीक्षार्थियों ने मेन गेट तोड़कर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे गए। इस दौरान कई छात्राओं को चोटें भी आई। दरअसल इंटर की परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र पर पहुंची तो मुख्य दरवाजे को बंद पाया। इसके बाद छात्राएं जान जोखिम में डालकर लोहे के गेट पर चढ़ गई और उसे पार करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर गए। ये छात्र एग्जाम सेंटर पर देरी से पहुंची थी। बेगूसराय में शुरू हुई इंटर परीक्षा के पहले दिन 9 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश का समय निर्धारित था, लेकिन दर्जनों की संख्या में छात्राएं 9 बजे के बाद पहुंची, जहां उन्हें गेट पर प्रवेश करने के दौरान गुहार लगानी पड़ी और गेट को थपथपाना पड़ा। काफ़ी आरजू मन्नते के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल होने दिया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्र के गेट पर तैनात पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट छात्रों को धमकाते हुए भी नजर आए। एग्जाम सेंटर पर देरी से पहुंचने वाले छात्र छात्राओं को जब परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया तो छात्राओं ने यह कहा कि आप लोग हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सड़क जाम की समस्या से हम लोग देरी से पहुंचे हैं। हम लोग 2 घंटे पहले घर से चले थे और कई छात्रों का कहना यह भी था कि ठंड की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। वहीं प्रशासन से लगातार आग्रह किया, लेकिन वहाँ छात्राओं की कोई नहीं सुनने वाला था। छात्र लगातार रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे,
पुलिस वाले खदेड़ खदेड़ कर छात्राओं को भगाने में लगी थी। आपको बता दें कुछ छात्र छात्राएं 5 से 10 मिनट लेट पहुंची थी, जिसको लेकर उन छात्राओं को परीक्षा नहीं देने दिया गया, जिसको लेकर छात्राएं परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के सामने बैठकर जमकर हंगामा करने लगी। चलिए आइए आपको हम परीक्षा केंद्र से पूरी लाइव तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कैसे छात्राएं हंगामा कर रही हैं और साथ में इस मामले को लेकर छात्र छात्राएं मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। गेट पर खोल दे लेना कितना मिनट लेट हुआ? कितना? 10 मिनट। 10 मिनट लेट हुआ है जिसके कारण इसको परीक्षा में बैठने नहीं दे रहा है, निष्कर्ष किया गया है। जो यहाँ पर प्रशासन सब है, कॉलेज का एंट्री हुआ ही नहीं था, 9:05 तक में उस कॉलेज का नहीं हुआ, जिसके कारण इतना जाम था। हम लोग 9:10 में क्या कहते हैं पहुँचे, अंदर जाके अंदर से 1 घंटा रुकवाया, 1.5 घंटा रुकवा के उसके बाद बाहर भगा दिया गया। उमर वाली का टीचर लेट आ सकता है लेकिन बच्चा नहीं। हाँ टीचर लेट आ सकता है, सबके सामने में बोला हम लोग। क्या नाम है? नहीं सर, हम लोग आ रहे थे महिला कॉलेज में, जाम लगा हुआ था, वहाँ से पैदल गए 5 मिनट के लिए, गेट से गेट से निकले ना तो हम लोग को नहीं अंदर में ले लिया गया, जबरदस्ती हम लोग घुसे अंदर में ले लिया गया। उसके बाद बोला 10:30 के बाद निकाल के उसके बाद बोला कि सब लोग घर जाइए, आप लोग कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिएगा मई में। ऊपर बालिका में आए हैं जी, दो तीन चीज पहले सुन लो उसके बाद अपना बताना। जैसे तुम लोग जानते हो कि बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक होना बहुत काम, बहुत पुराने टाइम में बहुत आम समस्या रहा, और कितना डिस्ट्रिक्ट का जिला का बेइज्जती होता है, सब कोई हंसी बनाता है, राज्य का बेइज्जती करता है, जाओगे दिल्ली में तो बिहारी का भी मजाक उड़ाया गया, छोटा छोटा चीज़ों तो सरकार इस कारण से बहुत स्ट्रिक्ट हो गया कि ये जो जैसे तैसे घुसते थे बच्चे, बोला कि नहीं अब एक फिक्स टाइम करेंगे, और एडमिट कार्ड में आप लोग का लिखा हुआ है कि 9 बजे के बाद से एंट्री नहीं दिया जाएगा। अब वहाँ आयोग जो बोर्ड है, बोर्ड जो परीक्षा करवाता है तुम लोग का, क्या नाम है उसका, विद्यालय परीक्षा समिति, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बड़े सीनियर IAS होते हैं, उनके द्वारा VC करके DM सर को भी बताया गया, SP सर को भी बताया गया कि एकदम टाइम पे के बाद जो आएगा एक को अलाउ नहीं करिएगा। तो हम लोग क्या है, सरकार के जो आदेश होता है उसको पालन करवाने वाले, वहाँ मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस बल हैं, सब है, ठीक है। तो तुम लोग किसी कारणवश से हो सकता है कि ट्रैफिक का समस्या रहा हो, कहीं जाम रहा हो, ट्रेन लेट रहा हो, ऑटो वाला समय पे नहीं पहुंचा पाया, तो तुम लोग 9 बजे तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। अब इसका समाधान क्या है कि एकदम आदेश था उनको, सख्त आदेश, वहाँ पुलिस और जो मजिस्ट्रेट है कि 9 बजे गेट बंद कर देना।